तो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी टुगेदर लर्न बेटर प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। तो मैं रुपेश सिंह आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। जैसे हमने आपको बोला था, चैप्टर 8 आपके लिए चैप्टर 7 के बाद क्लास 6 का ज्योग्राफी का बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा, तो उसी विश्वास पे हमने आपके लिए चैप्टर 8 आज शुरू कर दिया है, ठीक है। और जिस चैप्टर 8 का नाम है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम जानेंगे इंडिया के क्लाइमेट और इंडिया में नए तरह के जो पेड़ पौधे प्राचीन काल से अभी तक में जो नए नए आए हैं या फिर प्राचीन काल से अभी तक कंटिन्यू हो रहे हैं उनके बारे में, और हमारे इंडिया का वाइल्ड लाइफ के बारे में, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में, आगे हम अब डिस्कस करते हैं हमारा टॉपिक। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे पहले वेदर के बारे में, और वेदर को इंडिविजुअली हम डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं हमारा टॉपिक। वेदर इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो वेदर होता क्या है, सबसे पहले आप ये जान ले, जो एटमोसफियर में जो भी टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, कहाँ पे? एटमोसफियर में, ठीक है। एटमोसफियर आप सब जानते हैं, एटमोसफियर में जहाँ पर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है उस कारण जो चीज़ बन रहा है, टेम्परेचर में चेंज आने के कारण एटमोसफियर में जो चेंज आ रहा है उससे हमारा क्या चेंज होता है? वेदर। वेदर जैसे हमारा वेदर मैं बोलूँ तो विंटर सीजन होता है, समर सीजन होता है, वो क्यों होता है? विंटर में हमारा टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है, ठीक है। मतलब टेम्परेचर हमारा लो होता है, और वही समर में हमारा टेम्परेचर हाई होता है। तो आप यहाँ से रिलेट कर पा रहे होंगे कि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर जब घटता है तो विंटर सीजन, जब बढ़ता है तो समर सीजन। और भी बहुत सीज़न है लेकिन अभी हम बेसिकली इन दोषों को अच्छे से जान लेते हैं टेम्परेचर को रिलेट करते हुए। ड्यू टू दिस चेंज इन टेम्परेचर रेनफॉल एंड सनशाइन ऑकर्स। तो जब ये टेम्परेचर में चेंज आता है, ठीक है, टेम्परेचर में चेंज आता है उस कारण क्या होता है यहाँ पर अर्थ पे रेनफॉल, मतलब इंडिया पे रेनफॉल का भी असर पड़ता है, ठीक है, और सनशाइन भी होता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब कि टेम्परेचर मान लीजिए बढ़ रहा है टेम्परेचर, तो उससे क्या होगा? गर्मी बढ़ेगा। तो गर्मी बढ़ेगा तो क्या होगा? टेम्परेचर लो होगा, और जब टेम्परेचर लो होगा तो समुद्र तरफ के हवा बादल लेकर के हमारा सरफेस को भरने आएंगे, ठीक है। जो जब वैकेंट हो जाएगा, हवा गर्म हो जाएगा, वो अब ऊपर चले जाएगा, तो उधर बाहर से हवा हमारे तरफ आएगा, और साथ में मानसून का बादल लेकर के आएगा, उस कारण क्या होगा? रेनफॉल होगा, ठीक है। और जब रोशनी गिर रहा है हमारे अर्थ पे तो वो क्या हो जाएगा? सनशाइन का हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं जो सीजन्स हैं हमारे वेदर में, सॉरी एटमॉस्फेयर में, वो कैसे होते हैं, ठीक है। जैसे पहला हमारा सीज़न है विंटर सीज़न। हम विंटर सीज़न को देखते हैं, वो बेसिकली मंथ वाइज में सबको मैं डिवाइड कर दिया हूँ आपको समझने के लिए। विंटर सीज़न जो है वो दिसंबर से फरवरी के बीच में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और समर सीज़न आपको मार्च से मई के बीच में देखने को मिलेगा, और उसी तरह रेनी सीज़न जो कि जून से सितंबर के बीच में देखने को मिलेगा। और जब हमारा रेनी सीज़न का एक मानसून का जो केरल से साउथ इंडिया से होकर के नॉर्थ इंडिया तक आता है, फिर नॉर्थ इंडिया से होके वापस भी जब जाता है, तो जब वापस जाता है हम उसको रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, ठीक है। जब सीधा जाता है नॉर्थ साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया तो हम उसको बोलते हैं रेनी सीजन, और जब वापस आता है तो उसको हम बोलते हैं रिट्रीटिंग सीजन या ऑटमन, ठीक है। तो जो ऑटमन है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में देखने को हमको मिलता है। तो चलिए जल्दी से हम ये सारा टॉपिक को इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं दो या तीन पॉइंट्स में। आइए चलिए डिस्कस करते हैं हमारा जो सीजन था अब उस सबको इंडिविजुअली, ठीक है। तो हमारा पहला सीजन जो हम पढ़े थे पहले विंटर सीजन, तो विंटर सीजन क्यों होता है उसको हम जान लेते हैं। विंटर सीजन टेम्परेचर के गिरने के कारण होता है, आपको भी पता है, लेकिन टेम्परेचर गिरता कैसे है वो हम जान लेते हैं। क्या होता है? ड्यूरिंग दिस सीजन सन रेज नॉट फॉल डायरेक्टली ऑन द रीजन ड्यू टू विच टेम्परेचर आर क्वाइट लो। तो जो टेम्परेचर है अर्थ के सरफेस में उस दौरान जो ऐसे गिरता है, ठीक है, जो सन है, सन का जो रे है, मैं टेम्परेचर बोला सॉरी, जो सन का जो रे है वो स्लेंट गिरता है, इसको बोलते हैं स्लेंट हम, ठीक है, जो थोड़ा ऐसे टेढ़ा होकर के रहे उसको हम बोलते हैं स्लेंट। और उसके कारण क्या होता है, जो अर्थ का सरफेस जो है, ये हमारा जो सरफेस है वो कम गर्मी रिसीव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर क्या होता है, लो हो जाता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, उस कारण यहाँ पर हमको विंटर सीजन देखने को मिलता है, ठीक है। और उसी का उल्टा, जस्ट इसी का उल्टा क्या होता है, समर सीजन के दौरान जो गर्मी का मौसम होता है उस दौरान होता है क्या होता है, जो सन रे है वो
डायरेक्टली पड़ता है, वो डायरेक्टली पड़ता है अर्थ के सरफेस पर, ठीक है। तो वो जो होता है उस कारण क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई रहता है। तो मेरे ख्याल से आप डिफरेंस समझ रहे होंगे क्यों टेम्परेचर कम हो जाता है और क्यों टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर इसलिए कम होता है क्योंकि जो सन का रे है विंटर के दौरान वो थोड़ा कुछ एंगल पे पड़ता है, ऐसे स्लेंटली पड़ता है, इसको स्लेंटली भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, स्लेंटली पड़ता है, जिस कारण टेम्परेचर हमारा लो हो जाता है। और वही चीज विंटर में डायरेक्टली पड़ता है तो उस कारण क्या हो जाता है, टेम्परेचर हमारा हाई हो जाता है, सॉरी समर में हमारा टेम्परेचर हाई हो जाता है, ठीक है। तो समर को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूरिंग दिस सीजन सन रेज फॉल्स डायरेक्टली ऑन द रीजन, जो मैं आपको बताया डायरेक्टली पड़ रहा है हम रीजन पर, ड्यू टू विच टेम्परेचर इज हाई, जिसके कारण कि टेम्परेचर हमारा क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ड्यूरिंग दिस सीजन हॉट एयर ब्लोज कॉल्ड एज लू, तो टेम्परेचर तो हाई हो जाता है और उस दौरान कुछ एक हवा का लहर चलता है एटमोस्फेयर में, जो कि क्या होता है, हॉट होता है, क्या होता है, हॉट होता है, और उसको क्या बुलाया जाता है, लू। वो जो गर्म हवा का जो झोंका चल रहा है, जो गर्म हवा का वेव चल रहा है एयर में, उसको गर्मी के दौरान लू बुलाया जाता है, ठीक है, जो कि बहुत सारे हॉट रीजन्स में आपको देखने को मिलेंगे, जिस कारण बहुतों का तबीयत भी खराब होता है और बहुत का जान भी चले जाता है। इंडिया में आपको हर साल ऐसा रिपोर्ट देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। तो ठीक है, ये विंटर सीजन हो गया हमारा, समर सीजन हो गया, अभी हम देखते हैं रेनी सीजन। रेनी सीजन कब होता है, व्हेन एयर ब्लोस फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। आपको मैं बता चुका हूँ इंडिया, चारों इंडिया, जो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट चैप्टर था चैप्टर 7 में, कि इंडिया किस किस से सराउंडेड है। नहीं देखे हैं वो वीडियो एक बार देख लें, इंडिया में कहाँ पे है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, आपको वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो व्हेन एयर ब्लोस फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रिंग्स मॉइस्चर विद देम, व्हेन दिस विंड स्ट्राइक विद माउंटेन रेनफॉल ऑकर्स। तो सबसे पहले हम ये हाफ को समझते हैं, यहाँ तक पहले हम समझ लेते हैं स्टार्टिंग से। जब एयर ब्लो होता है कहाँ से, अरेबियन सी से, बे ऑफ बंगाल से, ठीक है, अरेबियन सी के तरफ से हवा आएगा और बे ऑफ बंगाल के तरफ से जब हवा आता है तो वो हवा क्या कंटेन किया रहता है, मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स, आप इसको मॉइस्चर को ऐसे समझ लें, स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स का मतलब बूंद, ठीक है, बूंद कंटेन किए रहते हैं वो मॉइस्चर में, जो कि बहुत मतलब बादल के फॉर्म में कंटेन किए रहते हैं, हवा में नहीं आते हैं वो, ठीक है। वो मॉइस्चर जब हमारे अर्थ के, इंडिया के अंदर जब आ जाते हैं, जब माउंटेन से टकराते हैं तो क्या होता है, रेनफॉल होता है। फिर मैं बताता हूँ, जब हवा अरेबियन सी का और बे ऑफ बंगाल का हमारे इंडिया के अंदर में आता है, ज़मीन की तरफ आता है, तो उस दौरान क्या होता है, वो मॉइस्चर लेके आते रहते हैं, और जब वो पहाड़ से टकराते हैं तो वो क्या वहाँ होता है, रेनफॉल होता है, ठीक है। तो रेनी सीजन तब बनता है कब, जब अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से हवा हमारे तरफ आए, ठीक है। और उसी तरह ऑटमन सीजन, जो कि मैं आपको बताया रिट्रीटिंग मॉनसून, ठीक है, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, रिट्रीटिंग मॉनसून के नाम से, ठीक है। और जो ये सीजन है, ये सदर्न इंडिया में, ये सीजन जो है ये सदर्न इंडिया में रेनफॉल कराता है, ठीक है, कहाँ कराता है, साउथ के इंडिया में, जहाँ तमिलनाडु, ये जो आप TN देख रहे हैं तमिलनाडु है, और जो AP देख रहे हैं आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और ये यहाँ पे ही इसी रीजन में कब बारिश होता है, ऑटमन सीजन में। और जो दिल्ली हुआ, ओडिशा हुआ, बंगाल हुआ, ये सब में कब बारिश होता है, ये नॉर्मल रेनी सीजन के दौरान बारिश होता है, ठीक है। तो रेनफॉल तो हो रहा है, लेकिन उस पर कुछ, उसके कुछ फायदे भी हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दूँ, हमारा एग्रीकल्चर जो है इंडिया का, वो टोटली डिपेंड करता है किस पे, मानसून पर, ठीक है, मानसून मतलब रेनी सीजन्स पर, ठीक है। और जो मेघालय है, इंडिया में एक जगह है मेघालय, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है, मतलब कि वहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश होता है, क्योंकि वो पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है, वहाँ पे लगातार बारिश होते रहता है, ठीक है। तो अभी हम इसके बाद देख लेते हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। आइए देखते हैं हमारा नेचुरल वेजिटेशन टॉपिक। तो इस टॉपिक पे हम बेसिकली जानेंगे कि जो प्लांट्स है, जो फॉरेस्ट्स हमारे एरिया में, हमारे इंडिया में जो प्रेजेंट हैं, वो क्या महत्व रखते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो हम जानते हैं इनके बारे में। तो ड्यू टू वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशन, इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो क्लाइमेट आपको पता है इंडिया में चेंज होते रहता है, मतलब कि कहीं पे आपका टेम्परेचर हाई है तो कहीं पे टेम्परेचर लो है, इतना लो है कि वहाँ पे बर्फ़ हो जा रहा है,
ठीक है, कहीं पे इंडिया में बारिश होता है और कहीं पे नहीं होता है, ठीक है। तो इस सब के कारण क्या हो रहा है, इंडिया में बहुत तरह के नेचुरल वेजिटेशन मिल जाते हैं हमको देखने के लिए। नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, लेकिन अभी बस आप इतना समझिए ड्यू टू डिफरेंस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो उसके कारण क्या हो रहा है वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन में भी चेंज आ रहा है। वाइड रेंज मतलब बहुत मात्रा में, ठीक है। तो जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है वो क्या होता है, प्लांट सर्ब्स और बूसेस, आप ये तीनों को जानते हैं, ठीक है, विच ग्रोन बाय देयर ओन विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमंस कॉल्ड एज नेचुरल वेजिटेशन। जो प्लांट जो सर्ब जो बूसेस अपने से उग रहे हैं मतलब अपने से जन्म हो रहे हैं लैंड पर, उनको बोला जाता है नेचुरल वेजिटेशन, जो कि ह्यूमन के बिना हेल्प के अपने आप जमीन में पैदा हो रहे हैं, ठीक है, उसी को बोला जाता है नेचुरल वेजिटेशन। तो मेरा बात आप समझ रहे होंगे नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है, जो खुद नेचुरली उगता है उसी को हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। व्हाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, तो नेचुरल वेजिटेशन में क्या आता है, एक फॉरेस्ट भी आता है हमारा, ठीक है। लेकिन ये आपके दिमाग में आता होगा क्यों पेड़ को काटने को मना किया जाता है और पेड़ को बोलते हैं जितना मात्रा में लगा सकें और लगाएं हम उस पर, ठीक है, क्यों हम करते हैं ऐसा, क्यों हम बोलते हैं ऐसा, ठीक है। तो इसका भी रीजन है, पहला पॉइंट आप इसमें देख लीजिए, दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स ऑक्सीजन टू अस। तो ये सब हम सब जानते हैं, ये पॉइंट में जो लिखा हुआ है कि प्लांट क्या यूज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड अपने अपने फूड को बनाने के लिए, ठीक है, और हमको उसके बदले क्या देता है, ऑक्सीजन देता है जिससे कि हम सांस लेते हैं, ठीक है। तो ये आप सबको पता है कि प्लांट क्यों हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है, ठीक है। रिड्यूसेस सॉइल एरोजन, सॉइल एरोजन आप सब जानते होंगे, सॉइल एरोजन नहीं भी जानते हैं तो मैं बता देता हूँ आपको। सॉइल एरोजन क्या होता है, जो लैंड पे जो सॉइल होता है, जो जमीन पे सॉइल होता है, वो सॉइल क्या होता है, फर्टाइल होता है। फर्टाइल मतलब आप उसमें खेती कर सकते हैं, ठीक है, कोई सॉइल ऐसा होता है, ठीक है। और जब सॉइल में हम सॉइल को ऐसे जमीन पे पकड़ के ना रखें ना, तो सॉइल क्या होता है, हवा में उड़ता है इधर उधर, जब हवा आता है पानी के साथ, हवा के साथ ये उड़ता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, जो सॉइल में फर्टिलिटी होता है, जो सॉइल में आपको एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं, वो सॉइल का महत्व खत्म हो जाता है, मतलब वो एक सॉइल वो खराब हो जाता है पूरा, ठीक है, किस कारण, सॉइल एरोजन के कारण। तो प्लांट क्या करता है, अपने जड़ पे जो उसका रूट है, रूट पर क्या करता है, सॉइल को बाइंड करके रखता है, मतलब कि पकड़ के रखता है, जिस कारण क्या होता है, जो सॉइल है वही चिपक के रह जाते हैं, चाहे जितना बड़ा आंधी आए जितना बड़ा बाढ़ आए, ठीक है। आप मेरा बात समझ रहे होंगे, सॉइल एरोजन किसे कहते हैं और क्यों ये हमारे लिए महत्व रखता है। इट प्रोवाइड अस फर्नीचर, तो आप सबको पता है कि प्लांट्स हमको फर्नीचर प्रोवाइड करते हैं, आपके भी घर में होगा, हमारे घर पे भी है। फर्नीचर कहाँ से हमको मिलता है, प्लांट से मतलब ट्री से, ट्री कहाँ रहता है, फॉरेस्ट पे रहता है, इसी के लिए फॉरेस्ट हमारे लिए नेसेसरी है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमारा सरकार एक प्रोग्राम लॉन्च किया है बहुत पहले ही, वन उत्सव, आप सब जानते हैं। इस दिन एफॉरेस्टेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना, ठीक है, पेड़ उस दिन बहुत मात्रा में लगाया जाता है, ठीक। और उस दिन हम ये सोचते हैं, उस दिन को खाली उसी दिन नहीं, हम मैं तो आपको ये बोलूँगा कि आप हरदम पेड़ लगाने का कोशिश करें, ठीक, जितना मात्रा में आप लगा सकें, खाली ये वन उत्सव का दिन का इंतज़ार ना करें, अगर आप करते भी हैं तो, ठीक है। तो चलिए हम इसके बाद हमारा सबसे लास्ट टॉपिक चैप्टर का वाइल्ड लाइफ पर डिस्कशन कर लेते हैं। आइए देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक जो कि वाइल्ड लाइफ, ठीक है। वाइल्ड लाइफ में हम बेसिकली जानेंगे एनिमल्स के बारे में, ठीक। तो जो फॉरेस्ट है वो क्या है, हमारा फॉरेस्ट में हम देख रहे थे पेड़ है बहुत सारे, जाने हम प्लांट होते हैं, पेड़ होते हैं, सब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, सब हम जाने, लेकिन जो फॉरेस्ट है वो एक अलग, हम अलग दिशा से अलग पर्सपेक्टिव से देखें तो वो वाइल्ड लाइफ के लिए मतलब जो जानवर हैं उनके लिए वो क्या है, होम है, उनके लिए घर है वो, ठीक है। तो फॉरेस्ट जो है एक तरह का घर है किनके लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। जो टाइगर है हमारा जो नेशनल एनिमल है वो भी कहाँ मिलेगा हमको, फॉरेस्ट में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो एशियाटिक लायंस हैं, जो बड़े बड़े लायंस आप देखते हैं टीवी में या फिर फोटो में कहीं पे भी, उनको एशियाटिक लायंस बोला जाता है, ठीक है। वो लायंस कहाँ देखने को मिलेंगे, गिर फॉरेस्ट में, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, गुजरात में,
गिर फॉरेस्ट गुजरात में है, गुजरात में हमको एशियाटिक लायंस देखने को मिलेंगे। वन हॉर्न मतलब कि एक सिंग वाला कौन, राइनोसोरस जो आप देखे होंगे राइनोसोरस को, और एलिफेंट, ठीक है, वन हॉर्न राइनोसोरस और एलिफेंट हमको आसाम के जंगल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कैमल्स हैं वो हमको ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको कि हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी हमको देखने को कैमल्स मिलेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इतना यहाँ से अंडरस्टैंडिंग एक मिल रहा होगा कि जो एनिमल्स हैं वो क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग पार्ट में इंडिया के बटे हुए हैं, मतलब अलग अलग जगह पर हैं। ठीक है, तो जो बर्ड्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं। बर्ड्स के बीच में हमारा नेशनल बर्ड क्या है, पिकॉक है, आपको भी पता है। ठीक है, जो पिकॉक है उसको भी बचाने के लिए, या फिर बहुत सारे एनिमल्स को बचाने के लिए, चाहे वो क्या बोलते हैं ये बर्ड्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, ठीक है, मैमल्स हों, जिनके हाथ पांव हों उनको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो लोगों को बचाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारा प्रोग्राम चालू कर चुका है, जिससे कि जो ख़त्म हो चुके हैं उनको तो वापस लाना बहुत मुश्किल है। जो एनिमल्स अर्थ से अब ख़त्म हो चुके हैं उनको वापस लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो जिंदा हैं उनको हम बचा लें। हमारा अब गवर्नमेंट का ये अप्रोच है कि हम जो बचे हुए हैं उन्हीं को हम अब अर्थ पे बचा लें। ठीक है, तो जो बर्ड्स हैं उनके लिए भी, उनको भी बचाने के लिए हमारे पास बर्ड सेंचुरीज हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास, बर्ड सेंचुरीज, जहाँ पर हम बर्ड्स को रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर अब क्या होता है आप भी जानते हैं, जहाँ पर लैंड वाटर और एयर का बात हो, लैंड वाटर एंड एयर, जहाँ पे ये तीनों प्रेजेंट हो उसी को क्या बोला जाता है, बायोस्फीयर। आपको पहले के चैप्टर में मैं डिस्कस किया हूँ आपके साथ। तो जो बायोस्फीयर है वहाँ, इसका भी एक रिजर्व होता है, बायोस्फीयर रिजर्व, जहाँ पानी, हवा और जमीन तीनों प्रेजेंट रहता है, और वहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है, उसको कहा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इंडिया में आपको सेंचुरीज और वाइल्ड लाइफ रिजर्व देखने को मिल जाएंगे, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल्स को। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, चैप्टर 8 जो हमारा था, और इसी के साथ हमारा ज्योग्राफी भी यहीं पर ख़त्म होता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।